अधिकार का नाम है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। सर्व विशुद्ध ज्ञान अर्थात आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान सर्व विशुद्ध है। प्रत्येक आत्मा के पास जो ज्ञान है सर्व विशुद्ध है। यह अलग है बात कि वह उसे कैसा जानता मानता है, वो एक अलग प्रकरण रहा। पर आत्मा स्वरूप की अपेक्षा देखा जाए तो उसका असाधारण स्वभाव ज्ञान है और वो ज्ञान सर्व ओर से, सर्व ओर से और सर्व प्रकार से विशुद्ध अर्थात निर्मल है। उसका कारण होना चाहिए ज्ञान सर्व विशुद्ध क्यों है। सारे अधिकारों के अंत में यह आना चाहिए। जो अधिकार के जितने भी मोक्ष अधिकार तक, मोक्ष है तो अच्छी पर्याय है, निर्मल पर्याय है, सुखद पर्याय है, लेकिन आत्मा की ओर से मुक्ति की पर्याय को भी देखा जाए तो वह भी एक स्वांग है, देश है। जैसे देश आकर उतर जाता है, आता है और उतर जाता है, इसी तरह मोक्ष की पर्याय भी नित्य नहीं है, आती है और चली जाती है, प्रति समय बदलती है। इसलिए वह आत्मा के स्वभाव से अन्य है, अन्य प्रकार से। और इन सबसे पार ज्ञान स्वरूप है आत्मा का, वह सब ओर से निर्मल है, क्योंकि उस सर्वशुद्ध ज्ञान में किसी भी प्रकार का अन्य भाव का प्रवेश नहीं, वह सदा निर्मल। ये शब्द है वो सर्व विशुद्ध है। सर्व विशुद्ध कोई सामान्य शब्द नहीं है। सर्व विशुद्ध मैंने सर्व ओर से शुद्ध है ज्ञान, सर्व प्रकार से ज्ञान शुद्ध है। उसके संबंध में की जाने वाली जो अज्ञानी की कल्पनाएं हैं उनसे भी वो ज्ञान पार है, वे भी उसका स्पर्श नहीं करती। इसलिए अंत में आचार्य ने इस अधिकार को दिया है। यह आत्मा का मूल स्वरूप है। शेष तो स्वांग थे, जीवने अजीब स्वांग किया, जीवने जीव स्वांग किया, आश्रव आया, पाप और पुण्य आए, संवर नजरा आए, बंध और मोक्ष आए, ये सारे के सारे आए और गए। लेकिन ज्ञान वो आत्मा को छोड़कर कभी नहीं गया और वह सदा अति निर्मल रहा। लेकिन सबसे पहले यहाँ भी अभी तक वो नाट्य ही चल रहा है, ये सब चले गए और अब सर्वशुद्ध ज्ञान का प्रवेश होता, अब वो आता है। सर्व विशुद्ध सुज्ञानमय सदा आत्मारा परपुं करे न भोगवे जाने जति तत्ना। आत्मा सर्व विशुद्ध
सुंदर ज्ञान वाला है, कर्म विशुद्ध है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है और जिस ज्ञान में कुछ भी करने का कोई बदल नहीं है, जिस ज्ञान में कर्म का भार नहीं, वह ज्ञान आत्मा का स्वरूप है और आत्मा सदा ही उस ज्ञानमय है। इसलिए सारी पर्याय की कल्पनाएं एक और रह गई, किसको देखना चाहिए? दो बातें हैं, एक तो वस्तु का मूल स्वरूप और एक वस्तु के संबंध में, आत्मा के संबंध में, जगत के संबंध में चलने वाली विविध प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं। ये दो बातें हैं, दो बातें परस्पर विपरीत, दोनों में से सच्चाई का निर्णय किसको देखकर हो? कि जो वस्तु का त्रैकालिक अपरिवर्तित और मूल स्वरूप है उसको देखकर ही वस्तु के स्वभाव का निर्णय हो सकता है। कल्पनाओं के आधार पे एक भी वस्तु निर्णीत नहीं होती, क्योंकि कल्पना स्वयं असत्य है। असत्य से सत्य का निर्धारण कैसे होगा? श्री जयचंद साहब ने भी सबसे पहले दो पंक्तियों में बड़ा सार दिया, आत्मा सदा ही सर्व विशुद्ध सुंदर ज्ञान वाला है, पर को करे न भोगवे, न पर को करता है और न पर का भोगता है, पर मैंने कौन? पर मैंने वो जो सर्व विशुद्ध ज्ञान है आत्मा के स्वभाव में, वह उसके अतिरिक्त जो अन्य प्रकार के भाव हैं उनका कर्ता और उनका भोक्ता नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप से ही ऐसा है, ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें कर्म और भोग का अभाव है। वो न पर का करता और न पर का जो करता है भोक्ता होता है, जो करता ही नहीं है वो भोक्ता भी नहीं होता, क्योंकि सबसे नीचा जो ज्ञान है सर्व विशुद्ध, उसमें पर के करने और भोगने का कोई अवकाश कभी नहीं। ज्ञान तो मात्र प्रकाश तत्व है, जैसे प्रकाश वह सर्वत्र फैलता है, फैलते हुए भी किसी वस्तु को उठाता नहीं और किसी वस्तु को ले जाता नहीं, किसी वस्तु को लाता नहीं, तो किसी वस्तु में कोई परिवर्तन करता है। जैसी है वस्तु वैसा उसमें आलोकित तो होता है, लेकिन वह वस्तु का कुछ करता और हरता अथवा धरता नहीं है। यही स्थिति ज्ञान की है। आत्मा में आनंद क्या है, सुख क्या है आत्मा में? क्योंकि आत्मा ऐसे ज्ञान स्वभाव वाला है कि जिस पर के करने भोगने का तो कोई भार है ही नहीं, लेकिन अपने करने और भोगने का, अपने में कुछ करने और भोगने का भी कोई भार नहीं। जैसे पर के करने और भोगने का कोई भार नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा से भिन्न जितने पदार्थ हैं वे सबके सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, तीन के अतिरिक्त और चौथी बात पदार्थ में होती नहीं है, और वे सबके सब उस पदार्थ के स्वतंत्र अवयव हैं। इसलिए ज्ञान
उनको छूता नहीं है, स्पर्श नहीं करता है। उनमें इतनी स्वतंत्रता है हर पदार्थ के द्रव्य गुण पर्याय में कि वहाँ ज्ञान की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस यही हुई ज्ञान की आवश्यकता कि वहाँ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यह जाना कि जगत के जितने पदार्थ हैं उनके द्रव्य गुणों और पर्याय से मेरा थोड़ा भी कोई संबंध नहीं है और उनमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जब ये जाना तो इसी प्रकाश में, इसी आलोक में, इसी संदर्भ में कि ज्ञान ये जानेगा कि अन्य में तो करने की गुंजाइश नहीं है लेकिन मुझे मेरे में तो कुछ करने की गुंजाइश, ऐसा जानेगा। अन्य में करने की गुंजाइश नहीं है तो अन्य की तरह आत्मा भी एक स्वतंत्र और पूर्ण वस्तु है, उसके द्रव्य गुण पर्याय भी स्वतंत्र और संपूर्ण है, इसलिए उनमें भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है। द्रव्य वो अनादि अनंत नित्य है, जो उसके गुण हैं वे भी अनादि अनंत नित्य हैं और द्रव्य के साथ सटे पड़े, द्रव्य के साथ एक ही भूत हैं और उन गुणों की जो व्यक्ति होती है प्रति समय, गुण जो है वो क्या कर, गुणों की जो पर्याय होती है उसका क्या है काम, क्या है उसका कि गुण का जो स्वरूप है उसको पर्याय प्रकट करती है, तो उस पर्याय में भी कुछ करने धरने की गुंजाइश नहीं है। इस तरह ज्ञान वो अन्य में तो अपने आप को अकर्ता और अभोक्ता ऐसा देखता ही है लेकिन अपनी ओर जब झांकता है तब भी उसका अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व सुरक्षित रहता, दूसरे का तो कुछ नहीं करता लेकिन अपना तो कुछ करता होगा ना। तो अपना करने की जो बात है वो तब पैदा हो कि जब वहाँ जो तीन सत्य हैं, जो तीन अवयव हैं, उनमें कोई जगह खाली हो तो करने की बात पैदा हो। द्रव्य जो शुद्ध चैतन्य है उसमें करने की कोई गुंजाइश, उसके जो गुण हैं उनमें करने की कोई गुंजाइश नहीं है और पर्याय वो तो मणियों के हार की तरह से एक के बाद एक अत्यंत व्यवस्थित है, तो उनमें भी कुछ करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा देखते ही ज्ञान एकदम प्रसन्न हो जाता है, यह रोता है। क्या होता है ज्ञान में, ज्ञानी प्रसन्न क्यों रहते हैं, किस गल पर रहते हैं, वाह ये तो आनंद हो गया जीवन में, क्या आनंद हो गया, सारे विश्व के बाहर से तो निर्भर हो ही गए, यहाँ तो अपने भीतर अपने पदार्थ के बाहर से भी मैं निर्भर, मुझे तो द्रव्य और गुण की बात वो तो बहुत दूर की बात है क्योंकि वो तो अवस्थित है, जो कि क्यों उनमें तो परिवर्तन होता ही नहीं है, इसलिए उसमें तो परिवर्तन करने की ताकत किसी की नहीं है, लेकिन पर्याय जो प्रति समय परिवर्तनशील है उनमें भी परिवर्तन करने की गुंजाइश, उनके परिवर्तन को भी पलटने की, यदवा तदवा करने की, आगे पीछे करने की गुंजाइश नहीं है, ऐसा देखता हुआ ज्ञान जब प्रकट होता है तो वह खुशी से उछल पड़ता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, उस खुशी का नाम, उस प्रसन्नता का नाम सम्यक दर्शन है। जो और के भार से तो मुक्त हो लेकिन अपना भार सिर पर हो तो भार तो रहा, चिंता तो वो क्यों ही रही नहीं रही, हाँ कोई वो किसी के घर काम करती हो, कोई महिला वहाँ सफाई करती हो, बर्तन मांजती हो और वहाँ ना करके अपने घर का करती हो तो भी है तो दुख का दुख, सुखी तो नहीं है, भार तो है ना। इस तरह आत्मा में आश्रव और बंध आदि का, इनका तो कोई भाग
इनको भी लाने और दूर करने का भार तो है ही नहीं, लेकिन मोक्ष को लाने और मोक्ष को हटाने का भार भी, मोक्ष को बदलने का भार भी आत्मा में नहीं है। यहाँ से सर्व शुद्ध ज्ञान में तो हद है, चरम कोटि का अधिकार है। इसलिए यहाँ तो अंत में ये कहना है कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता, ऐसा है। रात को जाग के सुनना पड़े जब काम चले। रात का टाइम से सोने का है, और ये किसकी बात है कि जो ये समझ लेता है कि मेरा ज्ञान सर्व विशुद्ध और निर्भर है, अन्य से और अपने से भी, सब प्रकार से बिल्कुल एकदम निर्भर है, ऐसा जानकर ज्ञान अपने में लीन हो जाता है। लीन हो जाता है मैंने ये जान लेता है कि मैं सर्व प्रकार से निर्भर हूँ, इसका नाम सर्व शुद्ध है। इसलिए प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्व शुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है, मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्व शुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंग भूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आश्रव संवर निजरा, बंध और मोक्ष, ये आठ स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। अब सर्व स्वांगों के दूर होने पर एकाकार सर्व शुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। सर्व स्वांगों के दूर होने पर स्वांग अपनी जगह रहते हैं, लेकिन जिसने उन स्वांग को और उनसे भिन्न सर्व शुद्ध ज्ञान में अपने चैतन्य को जाना, तो वह यह जानता है ये स्वांग मेरे नहीं है। होते तो हैं स्वांग, इतना तो स्वीकार करता है, स्वांग होते तो हैं, लेकिन ये स्वांग मेरे नहीं है, मैं ये वेश धारण नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो निर्वेश हूँ, मुझे कोई वेश नहीं है। वेश तो परिग्रह होता है नहीं, ज्ञानी को मोक्ष का भी परिग्रह नहीं है। मुझे मोक्ष जाना है, ऐसा परिग्रह ज्ञानी को नहीं होता। जो ये मानता है, ये मानता है कि किसी को विचार आवे, विकल्प आवे, मुझे मोक्ष जाना है, बहुत संसार में कष्ट पाया है, इत्यादि इत्यादि, ये तो सब बातें हो जाए, ये तो कहानी है, लेकिन ये कहानी तब पीछे रह जाती है कि जब ये जान लेता है कि वो तो सारी की सारी कहानी थी कि जो बीत गई। अब तो मुझे दिखने लगा है कि मैं इन सारे स्वांग से पार बिल्कुल निर्वेश तत्व हूँ। अब ये हुआ दिगंबर पक्का, वेश धारण करे तो दिगंबर हो, मुक्ति का जी वेश ज्ञानी को नहीं है। ज्ञानी को जिसने इस बात को जाना, वो ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि हुआ। तो कक्षा तो उसकी चौथी कही जाती है, लेकिन चौथी कक्षा में भी यह बात जानी गई कि सचमुच मोक्ष जाना कहा तो जाता है, ऐसा भी एक ज्ञान है कि जो मोक्ष की सत्ता को स्वीकार करता है और ये भी कहता है कि आत्मा का मोक्ष हो गया, आत्मा मोक्ष जाता है, पर सच्चाई तो यह है, मैंने तो आत्मा के निकट जाकर ये देखा कि आत्मा बंधा ही नहीं, तो उसका मोक्ष कैसे होगा। तो मोक्ष उसका होता है कि जो बंधता है,
जब आदमी बंधा नहीं तो उसका मोक्ष, और जो बंधन होता है उसका नाश होने पर मोक्ष होता है। यदि आत्मा बंध गया हो तो आत्मा बंध स्वरूप हुआ तो बंध का नाश होने पर आत्मा का नाश होगा, इसका नाम मोक्ष का कहा जाएगा, इसका होगा मोक्ष। आत्मा बंध गया अगर ये कहा जाएगा, बंध का भाव होने पर मोक्ष होता है ना, और बंध का तो नाश होता है। जब आत्मा ही बंध गया, आत्मा का स्वरूप अगर बंध स्वीकार कर लिया जाए, मन बंध से भिन्न कोई आत्मा है ऐसा पूरा ये स्वीकार न किया जाए और आत्मा को बंध स्वरूप स्वीकार कर लिया जाए, तो बंध का नाश होने पर आत्मा का भी नाश हो जाएगा, तो मोक्ष में कौन होगा, किसका मोक्ष होगा, अभाव हो जाएगा। बात बहुत ऊंची कहलाती है लेकिन यह है प्रारंभ, और प्रारंभ भी ऐसा कोई बहुत ऊंचा प्रारंभ आचार्य ने जबरदस्ती किया हो, बलात् किया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वस्तु व्यवस्था है। सचमुच आत्मा का स्वरूप सर्वशुद्ध ज्ञान वाला ही है, और सर्वशुद्ध ज्ञान वो अत्यंत निर्बंध है, इसलिए उसका मोक्ष नहीं होता। वहां से प्रारंभ किया, इसलिए अब सबसे पहले इस ग्रंथ की परिपाटी के अनुसार उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। सबसे पहले ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि हर जीव को, हर आत्मा को अपने उस सर्वशुद्ध ज्ञान स्वभाव वाले आत्मा की महिमा एक बार जीवन में प्रकट हो जाए, बस एक बार प्रकट हो जाए कि वह अनंत हो जाती है, फिर उसका अंत, क्योंकि जहाँ विश्व का सर्वोत्कृष्ट तत्व एक बार मिल गया और प्रत्यक्ष उसमें जो भरा हुआ है उसका रसास्वादन हो गया और ये जान लिया कि यह तत्व विश्व में सबसे विलक्षण है, ऐसा जगत में दूसरा तत्व नहीं है, जब ये जाना तो फिर वो कभी स्खलित नहीं होता, इसको आत्मा की महिमा कहते हैं। अनुभूति क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये सारा का सारा सुना भी जाता है, पढ़ा भी जाता है और उसकी चर्चा भी काफी हो भले ही, लेकिन चर्चा यदि शुष्क है तो वो आत्मा नहीं आएगा, नजदीक अनुभव में नहीं आएगा। सबसे पहले उस आत्मा की महिमा बताते हैं कि आत्मा सर्व प्रकार से निर्भर, क्योंकि ज्ञान उसके उसका जो स्वभाव है ज्ञान, उस सर्व प्रकार से निर्भर है। जब स्वभाव निर्भर है तो फिर उसकी जो सत्ता है द्रव्य वो भी निर्भर है, स्वभाव अक्षय है तो द्रव्य भी अक्षय है, इसलिए ज्ञान वो सर्वशुद्ध होने के कारण आत्मा ही सर्वशुद्ध है, उसका काव्य सबसे पहले कहते हैं। हाँ कह दें, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान को आत्मा कहकर फिर हमारा उपयोग आत्मा पर चला जाना चाहिए, कि ज्ञान ज्ञान करता रहे तो उसमें उलझ गया ना। ज्ञान आत्मा का वाचक ही है, इसलिए ज्ञान का प्रयोग या आत्मा के अर्थ में हो तो वहाँ अकेला ज्ञान गुण न लेकर आत्मा लेना चाहिए। यहाँ तो बात स्वभाव की अपेक्षा कर रहे हैं, पहले ज्ञान की बात करते हैं और उस ज्ञान से ही आत्मा की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम आत्मा आत्मा की बात तो करें इस तरह
लेकिन उसके स्वभाव की, उसकी विशेषता की बात अगर न करें तो आत्मा की विशेषता समझनी है। आत्मा है क्या, विशेषता है आत्मा की, ये प्रश्न पैदा होते ही उसके स्वभाव की चर्चा होगी। क्या विशेषता है, उसका अर्थ क्या हुआ कि आत्मा तो एक सामान्य तत्व है, विशेषता क्या है कि उसका जो ज्ञान है उसके पास वो सर्वशुद्ध है, और इस तरह उसकी जो अनंत शक्तियां हैं वे भी सबकी सब सर्वशुद्ध है। ज्ञान ये प्रतिनिधि है सारे स्वभावों का और आत्मा का, प्रतिनिधि है ज्ञान। और एक स्वभाव यदि ऐसा हो तो भी सारे ही स्वभाव वैसे ही होते हैं, उसका अर्थ यह है कि वो वस्तु ही ऐसी है, सर्वशुद्ध है वो वस्तु। पहले इसका काव्य 193वां काव्य है, नीत्वा सम्यग् प्रलयमखिलान् कर्तृभोक्तादिभावान् दूरीभूत प्रतिपदमयम् बंध मोक्ष प्रलुप्ते शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्ति संकोत्तीर्ण प्रकट महिमा पूजती ज्ञान पुंज समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के पदपद पर क्षयोत्सन के निमित्त से होने वाली प्रत्येक बंधमोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रही जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के ज्ञान रस से ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा संकोचकीर्ण प्रकट है ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है, प्रकट होता है। रंगमंच पर आता है, सलीका आता है, मैंने प्रकट होता है। कैसा है ज्ञान, कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से नाश को प्राप्त करा के जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव हैं जो प्रति समय ज्ञान में पैदा होते हैं, कर्ता भोक्ता का चलता है, कर्ता कर्म जी का, तो वहां भी उपसंहार में वही आता है। बैतरणी गाथा में उपसंहार में क्या आया, आत्मा सचमुच क्रोधादि भावों का कर्ता नहीं है, अर्थात आत्मा अकर्ता है, क्रोधादि भाव से रही है, क्रोधादि भाव है लेकिन आत्मा वर्तमान में ही उन अस्तित्व रूप क्रोधादि भावों से भिन्न अस्तित्व वाला है, इसलिए वह क्रोधादि भावों का जनक उत्पादक अथवा कर्ता नहीं है, क्योंकि उसमें क्रोधादि भावों का नितांत अभाव है आत्मा। इसलिए पद पद पर और कर्म के क्षोभन के निमित्त से होने वाली प्रत्येक बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, देखो पद पद पर मैंने हर समय प्रति समय चरण चरण में क्षयोत्सन के निमित्त से होने वाली प्रत्येक बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ, क्षयोत्सन के होने पर बंध का जन्म होता है कि ज्ञान बोलता है न, ज्ञान का जो क्षयोत्सन है अपूर्ण विकास है तो वह पर पदार्थों की ओर जाता है, पर पदार्थों की ओर जाकर उनके साथ एकत्र करता है तो बंधु को प्राप्त होता है, और जब आत्मा का स्वरूप समझ में आता है तो उस एकत्व को तोड़कर
अर्थात ये अन्य के साथ जो एकत्व और ममत्व है वो मेरे स्वरूप में नहीं है, ऐसा जो जानता है तो मोक्ष दशा प्रकट होती है। तो ये दोनों प्रकार की दशाएं जो बंध से रहित है वो मोक्ष से भी रहित। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो बंधा ही नहीं वह सचमुच मोक्ष से दूर रहेगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकता। और ये जो क्षयोपशम आदि कम विकास वाली पर्याय अथवा रागद्वेष वाली पर्याय, ये पर्याय होती तो है अपनी कक्षा में, लेकिन ये आत्मा से सदा ही निराली और अलग रहती है, भिन्न रहती है। आत्मा कभी भी इन स्वरूप नहीं होता, आत्मा में कभी भी इनकी मिलावट नहीं होती। क्योंकि ऐसा अगर माना जाए तो जैसे मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान आदि की बिल्कुल गलत पर्याय, मिथ्या पर्याय, झूठी पर्याय होती हैं, तो वे आत्मा के स्वरूप के संबंध में अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करती हैं। तो यदि ये बंध और मोक्ष की पर्याय मैं आत्मा को माना जाए तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जैसी पर्याय मैं भी आत्मा को मानना पड़ेगा, और आत्मा तो उन पर्यायों से बिल्कुल भिन्न प्रकार का है। अर्थात जैसा वे पर्याय बोलती हैं आत्मा वैसा ही है नहीं, और विश्व में वैसा एक भी आत्मा न तो आज तक हुआ और न कभी होगा। मिथ्या दर्शन ने जैसा बोला, बोला अर्थात जैसा माना, मिथ्या दर्शन ने जैसा अहम किया जिसमें वो आत्मा ही नहीं है। अहम तो करता है वो अनंत भावों में, अनंत पदार्थों में, लेकिन उसका जहाँ अहम होता है वहाँ आत्मा नहीं है सचमुच, और वह वहाँ आत्मा की कल्पना करता है। तो यदि बंध और मोक्ष की पर्याय मैं आत्मा को माना जाए तो मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय में भी आत्मा को मानना पड़ेगा, और वे पर्याय तो स्वयं आत्मा का अपवाद करने वाली, तिरस्कार करने वाली, आत्मा की इज्जत गिराने वाली, स्वयं अपने संबंध में जैसे कोई जैन होकर ये कहे कि हम खाते हैं रात को, करो क्या कहता है कोई, हम खाते हैं, क्या है डर है किसी का, भय है, हम खाते हैं, ऐसा बोले ना कोई, तो वह महान दृष्ट है वो। इसी तरह मिथ्या दर्श मिथ्या ज्ञान की दृष्ट परियाएं ये आत्मा के संबंध में कुछ भी कहें लेकिन ये आत्मा का स्पर्श तक नहीं कर पाती, दूर से होने वाली बकवास है, लेकिन ये वस्तु के स्वरूप में थोड़ा भी छेद और अंतर नहीं कर पाती। इसलिए ये क्षोभसम से उत्पन्न होने वाली बंद मोक्ष की पर्यायों को यदि आत्मा मय माना जाए या आत्मा को उनमय माना जाए तो फिर आत्मा का नाश हो जाएगा। मोक्ष जिसका बंद हुआ उसका मोक्ष होता है, बंद पर्याय में हुआ इसलिए मोक्ष भी पर्याय में होता है, और आत्मा पर्याय रूप नहीं है कभी भी। सीधी बात है, तो पर्याय जो प्रति समय बदलती है, नष्ट हो जाती है, फिर जो आती है वो बिल्कुल नई आती है, तो उसके साथ क्या आत्मा भी नया पैदा होता है, और क्या आत्मा चला जाता है फिर वो भी नया पैदा होता है? ये भेद तो अत्यंत साफ है, इसमें कौन से कॉलेज वाले को लाया जाए, इसकी इसको समझने के लिए कितनी बुद्धि चाहिए। चक्की का जो पार्ट है वो ऊपर का ही तो घूमता है या नीचे का भी घूमता है, और नीचे का घूमने लग जाए तो कुछ ऐसाई होगी मुझे, तो इन दोनों में जो अंतर है वो अंतर बिल्कुल स्पष्ट है या नहीं है? एक चक्कर खाता है, एक चक्कर समाप्त होता है, फिर दूसरा चक्कर शुरू होता है, फिर वो समाप्त होता है, फिर तीसरा चक्कर शुरू होता है, लेकिन एक बार तो बिल्कुल अचल है, उसमें कभी जरा भी थोड़ा भी चलायमान नहीं होता। इस तरह उन दो पार्टों की तरह
एक पाठ में बंध और मोक्ष होता है, जिसमें बंध होता है उसमें बंध का अभाव होकर मोक्ष होता है, लेकिन वो जो दूसरा पाठ है उसको बंध और मोक्ष से वर्तमान में ही रही, तो उसका बंध और मोक्ष मोक्ष के लिए ये आवश्यक है कि बंधन होना चाहिए, वरना मोक्ष कैसे होगा। जरा किसी भले आदमी को बोल के देखो, किसी अच्छे आदमी को, सज्जन आदमी को ये कह के देखो कि क्यों जी तुम जेल से छूट के कब आए, क्योंकि आत्मा ऐसा फोकट का है क्या बिल्कुल, जब उससे कुछ भी कह दिया जाए कुछ भी पूछ लिया जाए तो आत्मा को कहा जाए कि तू कब छूटा, वो कहता है कि तुझे थोड़ा है तमीज है तुझे थोड़ी, मैं बंधा कब था, मैं जो त्रिकाल मुक्त तत्व हूँ उसमें बंध का नाम निशान नहीं है, जहाँ बंध है उस बंध के स्थान पर मोक्ष प्रकट होता है, लेकिन आत्मा तो बंध और मोक्ष से देखो कितना साफ लिखा है, अभी तो आरंभ भी है एकदम, तो पढ़ाई बहुत ऊंची है, ऊंची कहाँ है, कहाँ ऊंची, स्वयं ही आत्मा का एक पहलू ऐसा है कि जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो अचल है एक, और जिसमें किसी पुरानी अवस्था का व्यय होकर नई अवस्था नहीं आती, अवस्था मात्र से जो दूर है अलग है, अवस्था है लेकिन वह अवस्था मैं नहीं है, वह अवस्था रूप नहीं है, अवस्था स्वरूप नहीं, झगड़ा क्या है जन्म से सदा से, आत्मा उस अवस्था से भिन्न सदा अपने स्वरूप में अवस्थित रहता हुआ भी अज्ञानी उसको उस अवस्था मैं मानता है, अवस्था रूप मानता है, और इसलिए प्रति समय वह जन्म और मरण की, उत्पाद और व्यय की, बंध और मोक्ष की कल्पनाओं से दुखी रहता है। ऐसे जीव का मोक्ष नहीं होता, मोक्ष किसे कहते हैं, किसे कहते हैं मोक्ष है? एक झगड़ा है कहते हैं, इधर तो मोक्ष से इनकार करे, इधर मोक्ष की परिभाषा पूछे, बंद किसे कहते हैं, वस्तु तो बिल्कुल एकाकी है अकेली, और उस एक वस्तु में द्वैत की कल्पना करे उसका नाम बंद है, लेकिन वस्तु में बंद नहीं हुआ, वस्तु अकेली है, उसमें मैं दो हूं या और हूं अन्य हूं ऐसी जो कल्पना करे तो वो कल्पना में बंधा, वस्तु नहीं बंधी, कल्पना वस्तु से नहीं बंधी, लेकिन ये जो बंधन है ये कल्पना में पैदा हुआ और वस्तु ज्यों की त्यों रही, इसे वस्तु में बंध कहां हुआ, अगर वस्तु में बंध होता तो कल्पना सत्य हो जाती, जैसी कल्पना है वैसी वस्तु मिलती हमें अथवा वस्तु हो जाती, लेकिन वैसा होता नहीं है, आत्मा तो अनादि अनंत नित्य वही का वही रहता है, और मोक्ष हुआ तो बंध तो वो हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इस बंध ने क्या किया कि जो वस्तु बिल्कुल अकेली निर्बंध त्रिकाल मुक्त थी है और रहेगी, उस वस्तु को इसने बंधमय माना, संबंधमय माना, इसका नाम तो बंध, और उसको त्रिकाल मुक्त ऐसा मानना इसका नाम मोक्ष। इससे वस्तु में क्या हुआ, वस्तु मोक्ष मय हुई नहीं हुई, नहीं हुई, ये माना कि मैं तो सदा ही मुक्त हूं, मेरे में बंधन था नहीं, न कभी बंधन होगा, न मुझे बंधन से रहित होना है, मैं तो सदैव मुक्त हूं, ऐसा जो जाना और माना अथवा आचरण हुआ उसका नाम हुआ मोक्ष। तो ये जो मोक्ष है वो आत्मा को लगा या नहीं, ये आत्मा इस मोक्ष में हुआ या नहीं, क्यों नहीं हुआ,
क्यों नहीं हुआ आत्मा मोक्ष में? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो वही का वही है मोक्ष हुआ तब भी, और जिस समय बंद था पर्याय में, जिस समय बंद भाव पैदा हुआ उस समय भी आत्मा तो वही था, और जिस समय आत्मा में ये मोक्ष दशा अर्थात उस मुक्त आत्मा को मुक्त स्वभाव को जानती मानती है जो पर्याय प्रकट हुई, इस पर्याय के प्रकट होने पर भी आत्मा तो वही का वही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ और आत्मा मोक्षमय नहीं हुआ। मोक्ष में हो जाए तब भी नाश हो जाएगा, बंद में हो जाए तब भी, मोक्ष पर्याय में होता है, पर्याय में होता है, जब पर्याय का होता है तब बोलते क्योंकि बंदा था वो उसका मोक्ष। हाँ बाकी करने के नाम पर अगर कहा जाए, क्योंकि करने के बिना अपने कलेजे को साधा नहीं मिलती, करने की बात आए बिना कलेजा ठंडा ही तब होता है ना अपना, तो आपकी बात ही करता हूँ। यहाँ तो ये सारी दवाई ऐसी तो भी, पर अब ये तो सब हुआ पर क्या करें ये तो बताओ। कि जिसको पहले कुएं में डाल दिया था उसकी फिर चर्चा शुरू, जिसको प्रारंभ में मैंने एबीसीडी में कुएं में पटका है, ये साफ लिखा है बंद मोक्ष की रचना से दूरवर्तता हुआ, ये पहली लाइन में है। ये आत्मा ने बंद की रचना करता है, न आत्मा में न बंद की रचना होती और न मोक्ष की रचना होती, शुद्ध शुद्ध था, इसलिए शुद्ध शुद्ध मोक्ष है शुद्ध और आत्मा है शुद्ध शुद्ध। काम है सरल लेकिन वो सरल काम पसंद नहीं आता, इतने से मुक्त हो जाए मैं मुक्त हूँ और मैं बंद और मोक्ष से रहित हूँ ऐसे जान मोक्ष हो जाएगा, चाहे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए मेरे को, तो अच्छा चाहिए जिससे यार तो पसीना आवे मेहनत हो। थोड़ी दूर भूख तो लगे, थोड़ी शिलाएं जले, ऐसा मोक्ष हो। यहाँ तो मोक्ष को भी अगर स्वीकार किया जाए तो यहाँ ऐसा मोक्ष नहीं है, शिलाएं जलती हैं और भीतर बर्फीली हवाएं चलती हैं, बाहर शिलाएं जलती हैं और भीतर बर्फ की तरह से आत्मा शीतलता का अनुभव करता है, इसको मोक्ष कहते हैं। ऐसा शुद्ध शुद्ध है।